हर साल करोड़ों रुपया की अवैध उगाही कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल साहब कर रहे हैं। अरे देश में सावरकर के पूजने वाले लोग हैं, उनके प्रतिमा बन रहा है तो आप लोग भगत सिंह के नाम से क्यों डर रहे हैं? भगत सिंह की प्रतिमा बनाइए। जो मतलब गलत काम करते हैं यहाँ पे आके, तो उनको रोका नहीं जा रहा है कॉलेज। जो SC ST छात्र हैं और तमाम कोटियों के छात्राएं हैं, उनको नामांकन में शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन कोऑपरेटिव कॉलेज में लगातार कई वर्षों से रुपये की उगाही की जा रही है। हम लोग पिछले कई सालों से यह डिमांड कर रहे हैं, पार्क में आप भगत सिंह की मूर्ति लगा दीजिए। जब तक आप रुपया वापस नहीं कीजिएगा तमाम छात्र छात्राओं का, हम लोग अनिश्चितकाल धरना पर बैठे रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के SBSS कॉलेज परिसर में हूँ और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर AISF के छात्र संगठन के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है, आइए इनसे हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बसंत कुमार हुआ। किस मुद्दे को यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग तमाम छात्र छात्राएं 11 सूत्री मांगों को लेकर आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। हम लोग का मुख्य मांग ये है कि हम लोगों ने कोर्ट के अंदर इसके लिए लड़ाई लड़ी। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जब थे जीतन राम मांझी, तो उनका घेराव किया, इसलिए कि जितने भी SC ST छात्र हैं और तमाम छात्राएं हैं, उन सब का फी नहीं लिया जाए एडमिशन में। लेकिन उसके बावजूद तमाम कॉलेज SBSS कॉलेज सहित तमाम कॉलेज धरल्ले से रुपया वसूली कर रहे हैं। उनके खिलाफ आज हम लोगों ने आर पार की लड़ाई का मुहिम छेड़ा है कि जब तक आप रुपया वापस नहीं कीजिएगा तमाम छात्र छात्राओं का, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। नहीं हटाएंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, हमेशा बैठे रहेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग उठने वाले नहीं हैं। ये ASF का छात्र छात्रा है, डरने वाले नहीं। जब हम लोग बैठे हैं तब से ही प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं हम लोग को वार्ता करने के लिए, कहने के लिए, हम लोग को धमकाने के लिए कि हम पुलिस बुलाएंगे अगर आप लोग नहीं उठिएगा। तो हम लोग पुलिस डंडे से डरने वाले लोग हैं? हम लोग जब अंग्रेज से नहीं डरे, ASF के छात्र छात्राओं ने अंग्रेज से लड़कर भगाया, यह उनकी विरासत है, यह भगत सिंह की विरासत है ASF, और यहाँ छात्र छात्राएं डरेंगे? जब तक छात्र छात्राओं की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। भगत सिंह का जर्जर हालात में यहाँ पर पार्क बना हुआ है, उनमें हम लोग कह रहे हैं कि भगत सिंह की प्रतिमा बनाई जाए। अरे देश में सावरकर के पूजने वाले लोग हैं, उनके प्रतिमा बन रहा है तो आप लोग भगत सिंह के नाम से क्यों डर रहे हैं? भगत सिंह की प्रतिमा बनाइए। जिन्होंने देश के लिए आस्ते आस्ते फांसी के फंदे के चूम लिया, आज उनका अपमान कर रहे हैं कॉलेज प्रचार, उनका अपमान कर रहे हैं। यहाँ के ये बोल रहे हैं कि आप जाके VC से लिखवा के ऑर्डर लेकर आइए। भैया ये SBSS कॉलेज का पार्क है, छात्र से रुपया वसूली आप कर रहे हैं और हम जाए VC से लिखवाने के लिए? आप यहाँ जब तक प्रतिमा नहीं बनाइएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। भैया पूछ रहे थे दलाल और प्रिंसिपल साहब के बीच, हम कह रहे हैं दोनों एक ही हैं, दोनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हर साल करोड़ों रुपया की अवैध उगाही कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल साहब कर रहे हैं। यहाँ तक कि कॉलेज के अधिकतर स्टाफ यहाँ पे, आप 2000 मान लीजिए 2016 में आप पास आउट हैं, अभी आपका यहाँ पे रिजल्ट आपको लेना है, आप अभी तक नहीं लेने गए हैं रिजल्ट, आप रिजल्ट लेने चले जाइए, आपको 200-400 रुपया दे के ही आपको रिजल्ट मिलेगा। कॉलेज के छात्र हैं, सरकारी कॉलेज है, सरकार की ओर से ऐसा गाइडलाइन है कि इस तरह के प्रमाण पत्र में आपको एक भी रुपया किन्हीं छात्र से नहीं लेना है, लेकिन प्रिंसिपल साहब के नाक के नीचे धड़ल्ले से ऐसे कृत्य हो रहे हैं, छात्रों से अवैध रुपया वसूला जा रहा है। क्योंकि इसका कारण क्या है ये जान लीजिए, प्रिंसिपल साहब सबसे बड़े भ्रष्ट हैं। कॉलेज के जो प्रमुख कुर्सी पर बैठे लोग हैं, प्राचार्य हमारे अभिभावक हैं, हमारे गुरु हैं, लेकिन हमें संकोच नहीं है क्योंकि ये काम खराब कर रहे हैं और खराब काम अगर करेंगे तो हम लोग उनको कोसेंगे ही कोसेंगे। ये अगर खुद ईमानदार हो जाएं तो कॉलेज के एक एक स्टाफ ईमानदार हो जाएंगे। कॉलेज अवैध रूप से करीब 30 करोड़ रुपया आम छात्र छात्राओं से वसूल के कॉलेज के अंदर रखा हुआ है और उन रुपयों का बंदरबांट अलग अलग योजना का काम करवा के प्रिंसिपल साहब कर रहे हैं। 2016 के बाद ही एक आदेश है जिसमें कहा गया कि तमाम कोटि की छात्राओं और अनुसूचित जाति के तमाम छात्रों से KG से PG तक में नामांकन में एक भी रुपया नहीं लेना है, लेकिन SBSS कॉलेज धड़ल्ले से छात्राओं से रुपया ले रही है। 23 साल का एक नौजवान जो देश के लिए हफ्ते हफ्ते फांसी के फंदों पे झूल गया, हम उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और सिर्फ हम ही नहीं, हमारा देश और पूरे विश्व के बहुसंख्यक देश भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, उनके विचारधारा को देश के आम गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ विचारधारा बताते हैं। कॉलेज के अंदर भगत सिंह के नाम से पार्क अवेलेबल है,
हम लोग पिछले कई सालों से यह डिमांड कर रहे हैं, पार्क में आप भगत सिंह की मूर्ति लगा दीजिए। क्या दिक्कत है प्रिंसिपल साहब को? वो बच्चों को कह रहे हैं कि आप VC से जाके आवेदन ये करवा लाओ, आदेश दिलवा लाओ। अरे हम क्यों लाएं VC का आदेश? आपका काम है, लाइए VC का आदेश या फिर राज्यपाल का आदेश। जिनका आदेश लाना है लाइए, लेकिन कॉलेज के अंदर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करवाइए, हम ये कहना चाहते हैं, और इसीलिए धरना पर बैठे हैं। कई दिनों से नोटिस दे रहे हैं सर को कि यहाँ जो पार्क है तो वहाँ पे प्रतिमा बनाया जाए, तो वो लोग सुन नहीं रहे हैं। और हम लोग को बोला जा रहा है कि VC से लिखवा के लाइए। कॉलेज में छात्राओं को बोलते हैं क्लास करने के लिए आइए, तो छात्राएं आती है, तो कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं जो इस कॉलेज के नहीं हैं, जो मतलब गलत काम करते हैं यहाँ पे आके, तो उनको रोका नहीं जा रहा है कॉलेज। जैसे जो गांजा बेचने वाले होते हैं, दारू बेचने वाले होते हैं, वो भी कॉलेज आया करते हैं, तो बच्चा कहाँ सुरक्षा है, सुरक्षित कहाँ है? और बच्चे से जो ST ST का छात्र है, लड़कियां हैं, उनसे फ्री नामांकन है, उनसे भी रुपया लिया जा रहा है कि इतना रुपया लगेगा, उतना रुपया लगेगा, बच्चे कहाँ से पैसे लाएंगे? AISF ने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जितने भी ST ST छात्र हैं और तमाम कोटियों की छात्राएं, उनको KG से PG तक की मुफ्त शिक्षा की लड़ाई AISF ने लड़ा, और बिहार सरकार ने, हाईकोर्ट ने इस बात को माना। उन्होंने आदेश जारी किया कि तमाम KG से PG तक जो ST ST छात्र हैं और तमाम कोटियों के छात्राएं हैं, उनको नामांकन में शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन कोऑपरेटिव कॉलेज में लगातार कई वर्षों से रुपये की उगाही की जा रही है। हमारी मांग है कि जो यहां शहीद भगत सिंह पार्क बना हुआ है, वह AISF ने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद बनवाया, लेकिन हमारे प्राचार्य भगत सिंह की मूर्ति लगाने से डर रहे हैं। देश के कई संस्थानों में गोडसे और सावरकर जैसे गद्दारों की प्रतिमाएं लगाने में लोग नहीं डर रहे हैं, लेकिन हमारे प्राचार्य भगत सिंह की प्रतिमा लगाने में डर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है बेगूसराय जिले के लिए और इस कोऑपरेटिव कॉलेज के लिए। हमारी मांगे हैं कि कॉलेज के अंदर जो असामाजिक तत्व हैं, जो यहाँ पर छात्राओं को हमेशा सुरक्षित महसूस करने नहीं देते हैं, उन असामाजिक तत्वों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था हो, यहाँ पर तमाम छात्राओं की सुरक्षा की गारंटी हो, यहाँ पर छात्रों और छात्राओं के पीने के लिए शुद्ध पेयजल हो, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था हो, और जो लाइब्रेरी में पुरानी किताबें धूल फाँक रही हैं, उस लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चलाया जाए, उसमें नई किताबें लाई जाए, उसमें जो हमारे सिलेबस में परिवर्तन किया गया है उस सिलेबस से जुड़े हुए किताबों को लाया जाए, जिससे कि छात्र छात्राएं सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई को कर सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इन छात्र संगठनों का मांग है कि जो ST ST छात्रों का जो नामांकन शुल्क जो कि कोर्ट के द्वारा नहीं लेने का प्रावधान और कानून लगाया गया है, उसके बावजूद यहाँ के प्राचार्य के द्वारा ST ST छात्रों से नामांकन के रूप में शुल्क यहाँ पे वसूली किया जाता है, और इन छात्रों का मांग है कि इस कॉलेज परिसर में भगत सिंह का मूर्ति स्थापित किया जाए, लेकिन प्राचार्य के द्वारा वह यहाँ पे भगत सिंह का मूर्ति भी स्थापित नहीं किया जा रहा है। देशवा न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।